अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं अयान मैसेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शबे कद्र की नफिल नमाज के बारे में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शबे कद्र की रात में दो रकत नमाज नफिल अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम रोज़ों को कबूल करेगा और उसे जन्नत में एक आला मकाम अता फरमाएगा। दो रकत नफिल नमाज आपको इस तरह अदा करनी है। सबसे पहले आप इसकी नियत करें, नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रात शबे कद्र की मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा एक बार पढ़ना है। फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ की सूरह पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एक मरतबा इन्ना अनज़लनाहु की सूरह पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको तीन मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरह पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें। फिर आप जब दूसरी रकत में खड़े हों तब आपको सना नहीं पढ़ना है, तब आपको सबसे पहले एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ की सूरह पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एक मरतबा इन्ना अनज़लनाहु की सूरह पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको तीन मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरह पढ़ना है। फिर उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें। फिर जब आप सजदे के बाद जब आप दूसरी रकत में कायदे में बैठें तब आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद, जो भी आप पांचों वक्त की नमाज में पढ़ते हैं वो अत्तहियात के बाद पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दें। ये आपकी दो रकत नमाज नफिल मुकम्मल हो गई। ये नमाज आप शबे कद्र की रात में अदा करें। शबे कद्र की रात कौन सी रात होती है? जो रमज़ान के जो आखिर के 10 रोज़े होते हैं यानी 20 से 30 रोज़े तक, उन्हीं में 5 रातें शबे कद्र की रात कहलाती हैं। तो उनमें हमें ये नफिल नमाज अदा करनी है। तो वो रातें हैं जैसे हम 20वां रोज़ा जब मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद जो रात आती है 21वीं रात, पहली रात वो है। दूसरी रात 22वां रोज़ा जब हम मुकम्मल करेंगे तो वो जब 23वीं रात आएगी, ये दूसरी रात है। उसके बाद है फिर 25वीं रात यानी जब हम 24वां रोज़ा मुकम्मल करेंगे उसके बाद जो रात आएगी ये तीसरी रात है शबे कद्र की। और उसके बाद जो चौथी रात है वो है 27वीं शब यानी 27वीं रात यानी जब हम 26वां रोज़ा कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो 27वीं रात आती है ये चौथी शबे कद्र की रात होती है। और इसके बाद 5वीं शबे कद्र की रात 29वीं शबे कद्र 29वीं रात यानी कि जब हम 28वां रोज़ा मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद जो रात आएगी वो होती है 5वीं शबे कद्र की रात। आप इन पांचों रातों में से किसी रात में भी ये नफिल नमाज अदा कर सकते हैं, या आप चाहें तो पांचों में ये नफिल नमाज अदा करें, या फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप चाहें तो अदा करें या फिर नहीं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शबे कद्र की रात में इस नमाज को अदा कर सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की दीनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।